शाहरुख खान ने की शुरू शूटिंग, फिल्म पठान के सेट पर लौटे। लॉकडाउन के बाद जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, तभी से एक एक करके सभी सितारे अपने अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में जुट गए हैं। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान लंबे वक्त से फिल्मी पर्दे से दूर है, लेकिन अब फैंस का इंतजार खत्म होने को है। शाहरुख जल्द ही फिल्म पठान के जरिए अपने चाहने वालों के बीच होंगे। इसी बीच किंग खान ने भी अपनी फिल्म पठान की शूटिंग एक बार फिर से शुरू कर दी है। एक्टर को फिल्म के सेट पर देखा गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर शाहरुख की कार की तस्वीर वायरल हो रही है। सुपरस्टार की कार फिल्म पठान के सेट पर खड़ी देखी गई है, जिसके बाद सभी यही अंदाजा लगा रहे हैं कि उन्होंने शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। सोर्सेस का कहना है कि दूसरी लहर के कारण हुए लॉकडाउन के बाद पठान ने अपना शूटिंग शेड्यूल फिर से शुरू कर दिया है। इंटेंस शूटिंग शेड्यूल शाहरुख का इंतजार कर रहा है, जिन्हें एक्टर पहले शूट करेंगे। हमने सुना है कि जॉन इब्राहिम और दीपिका पादुकोण अगले कुछ दिनों में सेट पर वापसी करने वाले हैं। इससे पहले ही टीम बड़े एक्शन और स्केल सीक्वेंस की शूटिंग के लिए इंटरनेशनल जगहों पर जाए, यहां फिल्म का एक बड़ा हिस्सा इस शेड्यूल में शूट किया जाएगा। इससे पहले अप्रैल में फिल्म की शूटिंग दो दिनों के लिए छोटे ब्रेक पर चली गई थी, और बाद में मेकर्स महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए जनता कर्फ्यू के कारण शूटिंग शेड्यूल को फिर से शुरू नहीं कर पाए थे। खबरों की माने तो अगले 10 दिनों तक पठान की शूटिंग मुंबई के ही स्टूडियो में की जाएगी, जबकि टीम एक बायो बबल के अंदर काम कर रही होगी। मेकर्स ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि शूटिंग से जुड़े हर शख्स को कोविड वैक्सीन लगी हो, क्योंकि सरकार ने प्रोडक्शन हाउस को शूटिंग को फिर से शुरू करते समय सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। वही खबरें ये भी है कि मेकर्स ने पठान के इंटरनेशनल प्लान्स को अभी टाल दिया है। इस फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के साथ साथ जॉन इब्राहिम भी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। वहीं सलमान खान का भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट कैमियो होने वाला है।